हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। द नेम ऑफ द टॉपिक दैट आई विल रिवील आफ्टर फ्यू मिनट्स, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिकॉल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। Can anyone tell me what is Newton's first law, or you can say that what is the law of inertia? I will tell you. Suppose if an object is at rest, it will keep on rest. Suppose an object is in motion, it will remain its motion with the same speed and in same direction until there is some net external force is acting. Means what? कि जब तक आप बाहर से कुछ परिणामी means कुछ net force लगाते नहीं, तब तक अगर कोई object steady है तो वो steady ही रहेगा। अगर कोई object motion कर रहा है तो वो constant velocity से अपनी motion जारी रखेगा। This is the statement given by Newton in his first law, right? मैं आपको क्या बता रहा हूं, सपोज मेरे पास कोई बॉल है और वो बॉल को मैंने ऐसे थ्रो किया ग्राउंड पे, वॉट विल यू नोटिस आफ्टर फ्यू मिनिट्स? द बॉल दैट इज थ्रोन बाय मी विल keep on rest after few minute. Why this is happen? अगर मैंने कुछ force से वो ball को motion दिया था तो Newton ने तो ये बताया था कि अगर बाहर से कोई net force नहीं लग रहा है, means कि आपका फेंका हुआ ball जिस गति से जा रहा है उस गति से अपनी motion चालू रखेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अपना ball तो स्थिर हो गया। आप देखो बाहर से कोई फोर्स उस पर लगा कि नहीं लगा, बाहर से कोई इंसान ने आके उस बॉल को रोका हो तो हम समझ सकते हैं कि वो बॉल स्टेशनरी हो गया। लेकिन बाहर से तो कोई इंसान आके रोक नहीं रहा है, ना ही वो किसी चीज के साथ कोलाइड हुआ है। देन व्हाट इज हैपन, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट? यस, योर बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विथ द अर्थ and the earth exert the force in same amount in opposite direction. That's why after few minutes your ball will keep on rest. आप समझ सकते हैं मेरी बात कि बाहर से आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन फोर्स लगाने आया, लेकिन आपका बॉल वो अर्थ की सरफेस के साथ टच हुआ था, इसीलिए आप यह बोल सकते हैं कि शायद वो फोर्स अर्थ की वजह से उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तब जाके वो बॉल अपने आप रेस्ट हो गया। वरना तो न्यूटन का लॉ ही गलत हो जाता ना। अगर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होता तो उसको तो अपनी मोशन चालू रखनी चाहिए थी, बट इट इज नॉट हैपनिंग। मीन्स सम अदर फोर्स acting in opposite direction to the direction of motion, and that force is known as friction force. See, in real life you can divide the force in two types. One is contact force, other one is non-contact force. Suppose gravity is non-contact force. Tame koi object ne ya rakho cho ene just free fall karao cho to ee siddho jamin baju jai chhe. તમે ક્યારે એવું નોટિસ કર્યું કે જમીનમાંથી એક હાથ નીકળ્યો એની બોલને પકડીને લઈ ગયો હોય? નો. ઇન ગ્રેવિટી મીન્સ ગ્રેવિટી ફોર્સ ઇઝ નોટ અ કોન્ટેક્ટ ટાઈપ ઓફ ફોર્સ, ઇટ ઇઝ નોન કોન્ટેક્ટ ફોર્સ. ઇવન ધો ધ ઓબ્જેક્ટ્સ આર નોટ ટચિંગ વિથ ઇચ અધર, સ્ટીલ દેટ ફોર્સ એક્ઝર્ટ્સ. બટ ફ્રિક્શન ઇઝ નોટ ધેટ ટાઈપ, ફ્રિક્શન ઇઝ કોન્ટેક્ટ ટાઈપ ઓફ ફોર્સ. વેન ધેર ઇઝ ટુ ઓબ્જેક્ટ મીન્સ વોટ? વન ઓબ્જેક્ટ and other surface. When your object touches the surface
एंड ट्राई टू कम्स इनटू द मोशन एट दैट टाइम सम अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट एट दैट टाइम द फ्रिक्शन कम्स इनटू द पिक्चर राइट सो फ्रिक्शन इज कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स ओके फाइन आई विल शो यू सपोज दिस इज द सर्फेस एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट राइट लुक एट दैट ऑब्जेक्ट राइट नाउ वी कैन से दैट इट इज स्टेशनरी वाई इट इज स्टेशनरी बिकॉज इट इज नाइदर मूविंग इन दिस साइड नॉर मूविंग इन दैट साइड और इट इज नाइदर मूविंग अपसाइड और मतलब आम तुम जो कोई पण रीते आम नाम ज छे आम फ्रंट साइड ही नहीं आवतो बेक साइड ही नहीं आवतो आम आगळ पण नहीं जतो आम पाछळ पण नहीं आवतो ऊपर पण नहीं जतो नीचे पण नहीं जतो हाँ एक वस्तु तमे नोटिस करो कि जो आ सरफेस न होत सपोज दिस सरफेस इज नॉट देर सो वॉट हेपन इफ यू प्लेस योर ऑब्जेक्ट इन एर इट विल फॉल डाउन सो विच फोर्स एक्टिंग ऑन दैट एट दैट टाइम ग्रेविटी फोर्स एम जी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डिरेक्शन एंड ड्यू टू दैट फोर्स योर ऑब्जेक्ट फॉलन डाउन बट सपोज दैट सरफेस इज देर सो ग्रेविटी इज स्टिल एक्टिंग इन डाउनवर्ड डिरेक्शन बट स्टिल योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट वाई दिस इज सो मीन्स द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज गिवन इन अपवर्ड डिरेक्शन ड्यू टू दिस सर्फेस दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट जितना जितना फोर्स ग्रेविटी के द्वारा नीचे तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स ये सर्फेस के द्वारा ऊपर तरफ लग रहा है तब जाके हम ये कह पाते हैं कि यस ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है फ्रिक्शन पिक्चर में कब आता है अगर रिलेटिव मोशन होती है या तो होने की संभावना है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोशन होनी ही चाहिए या तो मोशन हो रही है या तो होने की संभावना है और स्मूथ सरफेस रहेगा तब तो कभी भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा अगर रफ सरफेस रहेगा तब जाकर ही हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा कब अगर मोशन हो रही है या तो होने की संभावना है ठीक है जब सरफेस की बात हम कर ही रहे हैं तब मैं आपको एक और बात समझा रहा हूं कौन सी बात कि सरफेस कौन कौन से टाइप की होती है पहली तो आप यह समझ लो कि सपोज कि यह सरफेस है दिखने में आपको कितनी स्मूथ लग रही है लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे इफ यू ऑब्जर्व दैट सरफेस इन माइक्रोस्कोप देयर मस्ट बी सम इरेग्युलरिटी देयर मे बी सम ग्रूव्स लाइक दैट सी इफ यू ऑब्जर्व दैट स्मूथ सरफेस इन माइक्रोस्कोप एट एटॉमिक लेवल इट विल बी लुक लाइक दिस दिस इज नॉट द स्मूथ सरफेस इवन दो इट सीम्स लाइक इट इज स्मूथ सरफेस सरफेस मे बी लुक लाइक दिस राइट सपोज आई प्लेस वन ऑब्जेक्ट ऑन दैट सर्फेस सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट आई प्लेस ऑन दैट सर्फेस इवन दिस इज लुक लाइक स्मूथ ऑब्जेक्ट बट दिस इज नॉट स्मूथ वेन यू ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट इन अ माइक्रोस्कोप एट दैट टाइम इट सीम्स लाइक दिस This is your object. This is the surface. You can see that ये object का ये हिस्सा इसकी ग्रूव में जाके फंस चुका है यहां पर भी ऐसा हो रहा है means जब दो सपाटी contact हो रही है तो उसके बीच जब जो point of contact है वहां पर contact force लगता है कॉन्टेक्ट फोर्स किस तरफ लगता है मैं आपको बता दूं सपोज कि मैं इसको जूम करके बताता हूं तो सपाटी ऐसी मतलब जो जो आपकी सरफेस है वो इस तरह से है ऐसी ऐसी सरफेस है आपके पास तो इधर कॉन्टेक्ट हो रहा है तो कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे लगेगा ये है आपका कॉन्टेक्ट फोर्स ये कॉन्टेक्ट फोर्स के
दो कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट आपकी जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर आएगा, और एक कंपोनेंट आपकी जो सरफेस है उससे पैरेलल आएगा। जो कंपोनेंट सरफेस से परपेंडिकुलर है उसको आप बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और जो कंपोनेंट आपके सरफेस से पैरेलल है उसको आप बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स एफ सी। हम अब तक ये बोल रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मींस के जितना फोर्स mg नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। अब तक हमने यही स्टडी किया है, लेकिन था क्या ये हर एक जगह पर नॉर्मल रिएक्शन? कभी यहाँ पे ऐसा होगा, 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 कभी ये सरफेस पे ऐसा होगा। माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ये होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा। इन सभी कॉन्टेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक अपसाइड होगा एक पैरेलल होगा, एक वर्टिकली अपसाइड होगा एक पैरेलल होगा, एक 90 डिग्री पे होगा एक पैरेलल होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आए हैं उन सबको मिला के हम एक ही फोर्स से डिनोट कर देते हैं, और वो है एन, नॉर्मल रिएक्शन। और बाकी जो पैरेलल कंपोनेंट जितने भी है उसको हम बोल देते हैं फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स दैट इज पैरेलल टू द सर्फेस, राइट? लेट अस सी व्हाट इज देयर इन अवर मॉड्यूल। सी, the force which always opposes the motion of one body over the other body in contact with it is called the frictional force, or simply a friction. When the bodies are in contact, mutual contact forces are generated in every pair of particles at their contact surface. This contact surface obeys Newton's third law of motion. Consider two components of this contact force. The component perpendicular that surfaces is known as normal reaction, and component parallel to that surfaces is known as friction force, right? See, cause of friction force: a surface which may look smooth to the naked eye has a number of grooves or irregularities when we viewed under the high power microscope. When one surface is placed over the another surface, bumps of molecules presses against each other and get interlocked. The pressure at points of contacts are therefore high and a type of cold welding take place. होता क्या है? ऐसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर आप रख देते हो तो आपको लग नहीं रहा, लेकिन ये जो bumps and grooves है एक दूसरे में फंस जाते हैं। Means कि आप बाहर से कोई वेल्डिंग कर नहीं रहे फिर भी वन टाइप ऑफ वेल्डिंग इज देयर, दैट इज नोन एज कोल्ड वेल्डिंग। अगर इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस के ऊपर स्लाइड होना है तो क्या करना होगा? ये दोनों जगह पे जहां पे एक ग्रू और बम मिल चुका है, उधर उधर के जो कुछ भी बॉन्ड्स बने हुए हैं वो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे जाएंगे तो वापिस से ग्रू और बम मिल जाएंगे, वापिस से एक टाइप का बॉन्ड बन जाएगा, वापिस से उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर आगे जाना होगा। तो एक जगह से बॉन्ड टूटते हैं, दूसरी जगह पे बॉन्ड बनते हैं, वापिस से बॉन्ड टूटते हैं, वापिस से बॉन्ड बनते हैं, और इस तरह की जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये आगे बताया गया है आपको, देखिए। When one surface slides over the other, the bonds between the molecules are continuously broken and rebuilt at the other points. The force which is required to break the bonds between the two molecules when one surface moves over the another is called frictional force or force of friction. The responsible force that needed to break the bond is known as frictional force. Right? See, static friction. See, this is the type of friction. Mainly, friction force are divided into two part: frictional force. Frictional force के दो टाइप है। पहला टाइप है static friction और दूसरा टाइप है काइनेटिक
फ्रिक्शन, ठीक है। आप देखिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी कोई बात हम आज के लेक्चर के दौरान करने वाले नहीं है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी ही सारी बातें हम आज के लेक्चर के दौरान करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स वन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहता है। मान लीजिए मेरे पास ये सरफेस के ऊपर, दिखने में ये भले छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ये, मान लो आप इसको। फिर देखो ये ब्लॉक यहां पे स्टेडी है, मींस जितना डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स लग रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन अपसाइड लग रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को बाहर से फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं। मैंने थोड़ा फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा, ये हिल नहीं रहा है। उसके बाद मैंने वापिस से थोड़ा पहले से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, स्टिल दिस इज नॉट मूविंग। इट मीन्स दैट न्यूटन के नियम का उल्लंघन हुआ। कैसे? अगर कहीं पे भी फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में आना चाहिए। यहां से मैं हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसको फोर्स दे रहा हूं, फिर भी ये मोशन में नहीं आ रहा है। और गीता में भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप अपना काम करिए, फल की आशा मत रखिए। लेकिन अगर आप इतना सारा फोर्स कर रहे हैं फिर भी कुछ हो नहीं रहा है तो आपको कहीं ना कहीं तो फल की आशा होगी ना। और लोग ऐसा भी कहते हैं कि किया हुआ कभी कहीं भी जाता नहीं है, आप जो यहाँ पे करते हो उसका फल आपको कभी ना कभी तो मिलता ही है। तो आप ये मेरे को बताओ कि मैं यहाँ से जो फोर्स लगा रहा हूँ फिर भी वो ऑब्जेक्ट टस का मस नहीं हो रहा है तो मेरा फोर्स गया कहाँ, है कि नहीं? इफ आई एम अप्लाइंग सम फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन बट स्टिल योर ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, मीन्स वेयर माय फोर्स वेंट। हेलो, तो आप देखिए, आप कभी कभार नहीं होता वो ऐसा घर में कोई बड़ा सा कबर्ड हो और मम्मी बोलती है आपको ये जगह से दूसरी जगह पे आपको ले जाना हो तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे 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 फोर्स लगाते हैं लेकिन वो कबर्ड हिलता ही नहीं है। पहले आप थोड़ा फोर्स लगाते हैं फिर भी हिलता नहीं है, फिर वापिस से थोड़ा लगाते हैं फिर भी हिलता नहीं, फिर वापिस से थोड़ा लगा फिर भी हिलता नहीं, फिर दो तीन लोगों को बोला कि हम उसको ऐसे ऐसे स्लाइड करके ले जाते हैं। तो अप टू सर्टेन लिमिट आप जो फोर्स दे रहे थे उतना ही फोर्स सामने से कोई दे रहा था, ऑब्जेक्ट इज स्टेडी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मोशन हो रही है और तब फ्रिक्शन लग रहा है, मोशन तो हो ही नहीं रही है। इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन स्टिल सम फोर्स इज एक्टिंग इन बैकवर्ड साइड एंड दैट फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। हेलो, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब आपका ऑब्जेक्ट स्टेडी रहता है तब तक ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन और तब जो फ्रिक्शन है उसको तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट स्टेडी रहना चाहिए। और आप देखो, आप यहां से फोर्स अप्लाई करते थे तो उतना ही फोर्स सामने से कोई अप्लाई कर देता था, फिर जब आपने फोर्स थोड़ा बढ़ाया तो उसने भी बढ़ाया, फिर आपने वापिस से सम फोर्स बढ़ाया तो उसने भी वापिस से सम फोर्स बढ़ाया। और ऐसा कब तक चलेगा? अप टू सर्टेन लिमिट। फिर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि आप दो तीन लोग को मिला लेते हो और फोर्स करते हो, आ हल्ली जब आए तो नाउ योर कबर्ड विल मूव। सो सामने जो सरफेस है उसने कब तक आपका अपोज किया? अप टू सर्टेन लिमिट। अप टू विच लिमिट? के आम तुम विचारो ना कि तुम्हारो जो ऑब्जेक्ट है ये आम हलतो ही नो तो, पण तमे थोड़ो हलावानी ट्राई करी तेने पाछु रोकवानी ट्राई करी, तमे पाछु हलावानी ट्राई करी तेने पाछु रोकवानी ट्राई करी, तमे फूल हलावानी ट्राई करी तो हवे तमारो ऑब्जेक्ट आम हलू हलू थतो तो पण हलतो नतो।
ई लिमिट सुधी ओलो हा मैं बड़ करते तो नहीं हलवा दो नहीं हलवा दो पण पछी एक लिमिट पछी तमारो फोर्स वधी गयो એટલે તમારો કબટ મૂ થઈ ગયો. તો આજે સર્ટેન લિમિટ સુધી જે ફોર્સ કન્ટિન્યુઅસલી વેરી થતું હતું, તમે 2 ન્યૂટન લગાડો તી સામે 2 ન્યૂટન લગાડે, તમે 5 ન્યૂટન લગાડો તી 5 ન્યૂટન. એટલે હું તમને એવું કહેવા માંગુ છું કે સપોઝ આ સરફેસ ઉપર કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે અને આ સરફેસની મેક્સિમમ લિમિટ ક્યાં સુધી છે, સપોઝ કે આ સરફેસની મેક્સિમમ લિમિટ સપોઝ કે 10 ન્યૂટન સુધી છે, તો તમે અહીંયાથી 2 ન્યૂટન એપ્લાય કરો છો તો સરફેસ 10 ન્યૂટન એપ્લાય ન કરતી હોય ફોર્સ, મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ એપ્લાય ક્યાં સુધી થાય છે, તો કે 10 ન્યૂટન સુધી. મીન્સ કે ઓબ્જેક્ટને તમે 2 ન્યૂટનના ફોર્સથી પુલ પુશ કરો છો તો સામે તમારી સરફેસ પણ 2 ન્યૂટનથી જ પુશ કરે છે, એટલા માટે જ તમારો ઓબ્જેક્ટ સ્ટેડી છે. તમે 2 ન્યૂટનના 4 ન્યૂટન કરો છો સો અગેન સરફેસ વિલ એક્ઝર્ટ ધ ફોર્સ 4 ન્યૂટન ઓન દેટ. ઇફ યુ ઇન્ક્રીઝ યોર ફોર્સ અપ ટુ 8 ન્યૂટન સરફેસ ઓલ્સો એક્ઝર્ટ ધ ફોર્સ 8 ન્યૂટન ઓન યોર ઓબ્જેક્ટ ઇન અપોઝિટ ડિરેક્શન. વેન યુ એપ્લાઇડ યોર ફોર્સ 10 ન્યૂટન મીન્સ સરફેસ ગીવ્સ ધ મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ઓફ અપોઝિંગ ફોર્સ 10 ન્યૂટન. If you apply 10 ન્યૂટન, it will oppose you with 10 ન્યૂટન. And now this is the limit of that surface. It will not go beyond that 10 ન્યૂટન. If you apply 11 ન્યૂટન, surface opposes with 10 ન્યૂટન only. Means this time you are higher than the opposing force. Means your object will slide. Right? So that limiting force is known as static friction. और जो static friction है वो continuously vary होता जा रहा था. 2 न्यूटन से लगातार 2 न्यूटन से बढ़कर 10 न्यूटन के बीच कोई भी वैल्यू वो पजेस कर सकता है. आप जितना अप्लाई फोर्स लगाएंगे उतना स्टेटिक फ्रिक्शन लगेगा. आप 2 न्यूटन तो ये 2 न्यूटन, आप 4 न्यूटन तो ये 4 न्यूटन, आप 6 न्यूटन तो ये 6 न्यूटन, आप 7.5 न्यूटन तो ये भी 7.5 न्यूटन, आप 8 न्यूटन तो ये 8 न्यूटन, आप 10 न्यूटन लगाते हैं तब ये 10 न्यूटन लगाता है, आप 11 न्यूटन लगाओगे ना तब जाके ये 10 न्यूटन ही लगाएगा. तो मैक्सिमम लिमिट कहाँ पे है, 10 न्यूटन पे. बाकी तो वो कोई भी वैल्यू पजेस कर सकता है. आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम एफ एस मैक्स तक जा सकता है या तो उससे कम हो सकता है. ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेडी है, स्टेडी है मीन्स व्हाट, कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या तो वो एफ एस है या तो एफ एस मैक्स से कम है. एफ एस मैक्स जितना लग सकता है या तो उससे कम लग सकता है, एफ एस मैक्स से बढ़ नहीं सकता आपका स्टैटिक फ्रिक्शन. ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताई गई है, वो मैं आपको एक बार रीड करवा देता हूँ. कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम लाइंग स्टेडी ऑन द हॉरिजेंटल सर्फेस ऑफ अ टेबल. इट एक्जर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट ऑन द सर्फेस एंड द सर्फेस एक्जर्ट्स नॉर्मल रिएक्शन एन ऑन द बॉडी. फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉडी वी कैन से दैट जितना भी ग्रेविटी फोर्स है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन है. ये तो वर्टिकली बैलेंस हुआ है. अब आप क्या कर रहे हैं, now you applied some force in a horizontal direction plus x direction. Even though you are applying the force, your object is steady. See, if this small force would be only the force on the body, then it would come into the motion even with a small x. ભલે હું એમ નથી કહેતો કે આમ દોડવા જ માંડવું જોઈએ, થોડાક તો થોડાક એક્સેલરેશન થી મૂવ તો થવું જોઈએ, but still it is not moving. Means some another force definitely acts in opposite direction, because if I am applying some force in positive x direction and if my object is not moving, means some another force must be there that opposes my force, and that force is known as static friction. Hence some other force must be acting on the body in negative x direction, which balances the force F and makes the total external force zero and thus keeps the body steady. This other force is the component of contact force parallel to the surface and it is called the frictional force. It is also called frictional or static friction. This static friction doesn't exist by itself but comes into play when the external force acts on the body.
सी राइट नाउ देर इज नो स्टेटिक फोर्स बिकॉज आई एम नॉट अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट. इफ आई एम अप्लाइंग सम फोर्स एट दैट टाइम ओनली स्टेटिक फोर्स विल कम्स इन टू द पिक्चर. Right now it is not there. You cannot say that there is some static force, static friction is there. No, there is no static friction force is there. If I am applying some force, at that time they apply. Right? So when impedant motion is there, means kya? Ki aapke object ki motion hone ki sambhavna hoti hai. तब ही स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है. ये सब बातें आपको बताई गई है, मैं आपको दिखाता हूं. नाउ ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल फोर्स स्लाइटली एंड ग्रेजुअली द बॉडी स्टिल डजंट मूव, हेंस इट इज क्लियर दैट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो मस्ट बी इंक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन. थस द स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. देखो यहाँ पे बोला गया कि वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. सेल्फ एडजस्टिंग क्यों बोला गया है? आप 2 न्यूटन लगाते हैं तो वो 2 न्यूटन लगाते हैं. आप 4 न्यूटन लगाते हैं तो आप 4 न्यूटन लगता है. आप 6 न्यूटन लगाते हैं वो भी 6 न्यूटन लगाते हैं. आप 8 न्यूटन लगाते हैं तो वो भी 8 न्यूटन लगाते हैं. मीन्स को अपने आप से ही डिसाइड करता है कि मेरे को कितना लगाना है फोर्स. आप जितना लगोगे उतना वो एडजस्ट हो जाएगा. इसीलिए उसको बोलते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. दिस स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिस द इम्पेंडिंग मोशन. सी what is the impending motion? Impending motion means what? Expected motion. The motion that would have occurred if friction is not there, so the motion will occur. The motion that would have occurred under the effect of the external force if friction were absent. Agar friction nahi hota tab jaake aap jitna force lagate hai to wo force se kuch motion hone ki sambhavna thi. लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो मोशन नहीं हो पाई. तो ऐसी मोशन को आप बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन, एक्सपेक्टेड मोशन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? इंपेंडिंग मोशन का अपोज करता है. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन का अपोज करता है. On still increasing the applied force, the value of frictional force increasing only up to a certain limit. If the applied external force becomes slightly more than this maximum frictional force, immediately the body starts moving. The frictional force acting on the body when it is on the verge of starting the motion is called the maximum static friction. Means ke aap object ko hila rahe ho aur wo just apni motion स्टार्ट करने वाला है और तब जाके जितना अपोज वो फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स को आप क्या बोलोगे? वो भी अपना मैक्सिमम निकाल देगा ना, क्योंकि उसको क्या करना है? उसको तो ऑब्जेक्ट को हिलने ही नहीं देना है. लेकिन ऑब्जेक्ट हिलने वाला ही है और तब वो जितना फोर्स सामने लगाता है वो अपना पूरा पूरा मैक्सिमम का मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है. तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. राइट? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे लोगों ने. पहले कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, फिर उससे भी बड़ा लिया, उससे छोटा लिया, ऐसे करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये सारे रिजल्ट्स बाहर आए हैं. एक्सपेरिमेंट शोज दैट द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन डजंट डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द सर्फेसिस. आप छोटा ऑब्जेक्ट रखो कि बड़ा ऑब्जेक्ट रखो कि उससे भी बड़ा ऑब्जेक्ट रखो, वो ऑब्जेक्ट सर्फेस के ऊपर कितना एरिया कवर करता है उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंडेंट ही नहीं है. स्टेटिक फ्रिक्शन डजंट डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द सर्फेसिस. तो डिपेंड किस पे करता है? द मैक्सिमम स्टेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. एफ एस मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन. और ये प्रोपोर्शनलिटी निकलना हो, इक्वालिटी लाना हो, तो मेरे को कोई कॉन्स्टेंट एड करना पड़ेगा. उसने कौन सा कॉन्स्टेंट एड किया है? म्यू एस. ये म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ये कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन. एक्चुअली दिस इज डायमेंशनलेस बिकॉज दिस इज वन टाइप ऑफ डिजिट. तो ये म्यू एस क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है. ये म्यू एस
थोड़ी बातें कर लेते हैं हम यहां पे. वेयर म्यू एस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? सरफेस के नेचर पर. अगर सरफेस स्मूथ रहेगी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल रहेगा. अगर तुम्हारी सरफेस रफ रहेगी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा. The value of mu s is smaller for a smooth surface than that of the rough surface. As long as the steady body is stationary, we can say that Fs less than or equal to Fs max. आपका जो static friction है वो static friction maximum static friction से small ही रहेगा. और you can say that Fs is less than or equal to mu s into n. Equation 1 is the relationship between only the value of Fs max and n. जो आपका equation 1 था ना, Fs max proportional to Fs मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, तो ये क्या बता रहा है? एफ एस मैक्स और एन के बीच का रिलेशन बता रहा है. डायरेक्शन देखो आप, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे ही लगने वाला है. और एफ एस मैक्स किसे लग रहा है? एफ एस मैक्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है. सो डायरेक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बट अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा रहेगा तो एफ एस मैक्स भी ज्यादा रहेगा. अगर नॉर्मल रिएक्शन कम रहेगा तो एफ एस मैक्स भी कम रहेगा. सो एफ एस मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. दिस इज द आउटकम्स आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स, राइट? लेट अस सॉल्व सम एप्लीकेशन रिलेटेड विथ दिस थियरी. सी, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, सो एप्लीकेशंस आर वेरी इजी. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन फॉर्मूला ओनली. एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. वॉट इज एन? एन इज नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाई द ग्रेविटी एम जी. सपोज अगर कोई क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिया है, मास दिया है, तो एम जी जितना होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होगा. ये क्वेश्चन देखो, ब्लॉक ऑफ 3 kg मास इज पुट ऑन द रफ सर्फेस ऑफ म्यू एस इज इक्वल टू 0.5. फाइंड द एफ एस मैक्स. दे आर सेइंग दैट find out the fs max. One object is there. They are saying that what is fs max? Fs max is what? Mu s into n. आपको fs max find करना हो तो mu s को उन लोगों को देना पड़ेगा. यहां पे दे दिया है 0.5. फिर आपको चाहिए n, नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन देना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिया है. अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिया है तो आपको उतना ही ग्रेविटी फोर्स जितना नीचे लग रहा है वही आपको नॉर्मल रिएक्शन समझ लेना है. तो एम जी के लिए मास चाहिए और ग्रेविटी चाहिए. मास भी दिया है, ग्रेविटी भी दी हुई है. तो एन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? एम जी 0.5, एम की जगह पे 3 kg, जी की जगह पे 10 m/s². अल्टीमेटली आंसर इज 15 N. हेलो, ये फ्रिक्शन है फॉर वन टाइप ऑफ फोर्स. इज फ्रिक्शन इज व्हाट? इट इज वन टाइप ऑफ फोर्स. सो द यूनिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज व्हाट? न्यूटन. सो योर आंसर इज 15 N. सी, यहां पे देखो, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसका मीनिंग क्या निकलता है? कि अगर आप बाहर से 1 N से खींच रहे हैं, अगर आप इसको 1 N से खींच रहे हैं, फिर भी वो स्टेडी है, उसका मतलब क्या है? कि ये सरफेस भी वहां पे जो फ्रिक्शन लगा रहे हैं वो कितना होगा? यस, 1 N. हेलो, अगर ये रेस्ट पे है, आप 1 N का फोर्स लगा रहे हैं और फिर भी वो रेस्ट पे है, मतलब कि सरफेस भी 1 N का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही होगी, तो आपका एफ एस क्या आएगा? 1 N. हेलो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैल्यू से बनाए गए हैं. यहां पे 5 N लगता है तो यहां पे भी 5 N लगेगा, क्योंकि वो रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है. यहां पे 20 N लगता है तो यहां पे भी 20 N लगता है. ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन था हमारा. ओके, क्या हो गया है? ओके, ये देखो,
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्व प्रॉब्लम 29 है। दो सरफेसेस दी गई, एक रफ है एक स्मूथ है। अगर नीचे की सरफेस स्मूथ है, मतलब कि यहां पे किसी भी टाइप का कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला नहीं है, और ये दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस व्हाट, कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। आप देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से दोनों जा रहे हैं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है मींस एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है मींस फोर्स जीरो है। हेलो, तो आप ये देखो कि जो नीचे की सरफेस है वो स्मूथ है और ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। अगर ये दोनों ऐसे जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच, ये और ये ऑब्जेक्ट के बीच तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, तो एफएस क्या आएगा आपका, जीरो न्यूटन। हेलो, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस क्या, वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है मींस के वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, पहले जितनी थी उतनी ही बाद में है, तो ये जीरो के नीचे कुछ भी हो आंसर जीरो, मींस एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मींस व्हाट, नेट फोर्स इज जीरो। अगर फोर्स जीरो है, ये दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि ये दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होने ही वाली नहीं है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के बीच के जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन कितना होगा, जीरो न्यूटन। क्योंकि फोर्स अप्लाई होगा तो अपोज फोर्स आएगा, अगर कोई अप्लाई फोर्स है ही नहीं तो कोई भी अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, तो आंसर इज जीरो। ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। दो ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम कैपिटल एम, यहां पे जो टू न्यूटन फोर्स लग रहा है, आपको बोला गया है कि ऑल सरफेसेस का फ्रिक्शन कितना है। यहां पे ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ये भी रफ सरफेस है, ये भी रफ सरफेस है। आपको जितनी भी सरफेस है उन सभी सरफेस में कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो बताना है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, और यहां पे कितना फोर्स लग रहा है, टू न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिस पे फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए। लेट अस मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विद द फोर्स एग्जर्ट। सो टू न्यूटन फोर्स यहां पे लग रहा है, तो ये नीचे वाले ब्लॉक को क्या होगा कि मेरी ऊपर वाला ब्लॉक 2 न्यूटन से इस तरफ जा रहा है, उसको क्या करना है, उसको उस ऑब्जेक्ट को स्टेडी ही रखना है। बोलो, देखा इस यहां पे बोला गया है कि ए एंड बी आर एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही है। तो बी वाला ऑब्जेक्ट क्या सोचेगा, बी वाला ऑब्जेक्ट ये सोचेगा कि अगर ये 2 न्यूटन से इस तरफ जा रहा है, मेरे को जाने नहीं देना है, उसको स्टेडी ही रखना है। तो उसको स्टेडी रखने के लिए सामने पीछे की तरफ सेम अमाउंट ऑफ 2 न्यूटन फोर्स उसको देना पड़ेगा। हेलो, तो ये स्मॉल एम वाले ब्लॉक की बात करो तो 2 न्यूटन यहां पे लग रहा है, तो ये दोनों के बीच की जो सरफेस है, ये दोनों के बीच की जो सरफेस, वो क्या करेगी, वो सेम 2 न्यूटन फोर्स इस डिरेक्शन में लगाएगा। उस वो फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन स्मॉल, सपोज कि ये ऑब्जेक्ट को मैं बोल देता हूं 1, ये ऑब्जेक्ट को बोल देता हूं 2, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया किसने, 2 ने। कौन सा फोर्स है, स्टैटिक फोर्स है। फ्रिक्शन ऑन 1/2 2 न्यूटन है। अगर आप एम के ऊपर बैठ जाओ तो एम तो 2 न्यूटन से इस तरफ जाने वाला था, और आप नीचे वाले को देखते हो तो आपको क्या लगेगा कि आपको तो यह लगेगा आप स्टेडी है और नीचे वाला पीछे जा रहा है, कितने फोर्स से, 2 न्यूटन से। अगर नीचे वाला 2 न्यूटन से जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको उस तरफ जाने नहीं दूंगा, उसको तो मैं रोकने की ट्राई करूंगा। अगर वो पीछे जा रहा है तो मैं उसको आगे की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा। अगर आप कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कैपिटल एम तो इस तरफ जा रहा है, इसको क्या लगेगा कि कैपिटल एम इस तरफ जा रहा है, अगर उसको इस तरफ नहीं जाने देना है तो क्या करेगा, वो सेम
टू न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ देगा। तो अब नीचे की सरफेस क्या सोचेगी, नीचे की सरफेस ये सोचेगी कि ये वाला ब्लॉक तो टू न्यूटन से उस तरफ जाने वाला है, उस तरफ नहीं जाने देना है, तो सामने पीछे की तरफ मेरे को कितना टू न्यूटन का फोर्स देना पड़ेगा। ये टू न्यूटन क्या है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स लगा, ये दोनों सेम ही रहते हैं। ये वाला ब्लॉक इस पे जितना फ्रिक्शन एक्ट करता है उतना ही फ्रिक्शन ये वाला ब्लॉक इस पे भी एक्ट करता ही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन ये सरफेस अलग है, इसका फोर्स अलग आ सकता है, इस केस में वो टू न्यूटन ही आया, लेकिन इसका अलग भी आ सकता है, ठीक है। सो हर एक सरफेस का हमको निकालना था स्टेटिक फ्रिक्शन, तो हर एक का कितना आएगा, टू न्यूटन ही आएगा, ठीक है। आप इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस भी देखो, ये देखो एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों टू न्यूटन ही लग रहा है। सी सीटीपी 43 देर आर टू ब्लॉक्स M1 एंड M2, इस पे लगा 3 न्यूटन का फोर्स। यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द ऑल फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन द ऑल सर्फेसिस। सो M1 पे 3 न्यूटन लगा है, तो यहां पे भी 3 लगेगा, यहां पे भी 3 लगेगा, पीछे भी 3 ही लगेगा, ठीक है। सी अ ब्लॉक ऑफ मास 1000 किलोग्राम लाइंग स्टेडी ऑन द हॉरिजेंटल सर्फेसिस ऑफ अ टेबल नीड्स 200 न्यूटन हॉरिजेंटल फोर्स टू कम इन टू द मोशन। What is the coefficient of static friction between the block and the surfaces of the table? Ultimately, in this question, you want to find out the coefficient of static friction. What is there in the question? I will tell you. One object is there, and the mass of that object is what? It is 1000 kilogram. एक 1000 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और उसको हिलाने के लिए आपको सबसे ज्यादा 200 न्यूटन का फोर्स लगाओगे ना, तब जाके ये हिलने वाला है। मतलब कि अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है, तो तब जाके ये ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करने की वर्ज पे आएगा। तो सामने जो सरफेस है उसका मैक्सिमम का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, ये भी 200 तक अपोज तो करेगा। हेलो, ये ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए मैक्सिमम 200 न्यूटन चाहिए, मींस के ये सरफेस 200 न्यूटन तक तो हिलने ही नहीं देती थी। मतलब एफ एस मैक्स कितना रहेगा, 200 न्यूटन। और एफ एस मैक्स का तो आपके पास फॉर्मूला है, कौन सा वाला है, म्यू इंटू एन। एफ एस मैक्स आपको मिल गया 200, म्यू आपको फाइंड करना है, एन क्या है, एन की जगह पे आप एम जी लिख सकते हैं, एम जी मीन्स 1000 इंटू जी मीन्स 10। म्यू फाइंड आउट करोगे तो 0.02 आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये डिजिट है। सो अल्टीमेटली आंसर इज 0.02। सेम टू सेम क्वेश्चन इज गिवन विथ वेराइंग डेटा, दे आर सेइंग दैट दिस टाइम 100 किलोग्राम ब्लॉक इज देयर, यू आर अप्लाइंग 20 न्यूटन हॉरिजेंटल फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग 20 न्यूटन फोर्स द ऑब्जेक्ट्स कम इन टू द मोशन, मीन्स 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, वो भी 20 न्यूटन ही होगा। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो एफ एस मैक्स आप क्या लिख सकते हैं, एफ एस मैक्स आप लिख सकते हैं 20 न्यूटन, और फिर तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू 20 न्यूटन, म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू 20 न्यूटन, बस आपको म्यू निकाल देना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, व्हाट कैन बी इन्फियर्ड बाय रिगार्डिंग द फ्रिक्शनल फोर्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपकी क्या राय है। सी फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता है, ऑब्जेक्ट ऐसा हो वैसा हो कैसा भी हो, कॉन्टेक्ट एरिया पे तो वो डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। आप सभी का नॉर्मल रिएक्शन देखो, इसका मास एम है एम जी जितना, इसका भी एम मास है, इसका भी एम मास है, इसका भी एम मास है, सो सभी जगह पे ग्रेविटी एम जी ही है, तो सभी जगह का नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, सेम ही होगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन सभी जगह पे सेम है, मतलब कि सभी जगह पे फ्रिक्शन भी सेम है। सो आंसर ए विल बी योर फाइनल आंसर। सो लेट अस स्टॉप हियर, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड रीड थरोली वन टाइम, ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन,
देन आफ्टर राइट डाउन योर होमवर्क इन योर नोटबुक एंड डोंट ट्राई टू कॉपी दैट. जस्ट लर्न द कंसेप्ट एंड ट्राई टू नोट डाउन वॉट यू रिकॉल, राइट. सो दैट्स इट फॉर द टूडेज लेक्चर. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन. सो दैट्स इट. थैंक यू.